खबर सीहोर जिले से है, जहां भोपाल लोकसभा क्षेत्र की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर एक बार फिर से सुर्खियों में है। बता दें कि सीहोर जिले के ग्राम खजुरिया कलाक में विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सोमवार को पहुंची थी, जहां से उनका एक वीडियो सामने आया है। और इस वीडियो में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हथौड़े से शराब की दुकान का ताला तोड़ते हुए नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि ग्रामीण और स्कूली छात्रों की शिकायत पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने हाथ में हथौड़ा और पत्थर के साथ शराब दुकान का गेट ताला तोड़ दिया। इसके साथ ही एक वीडियो में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर यह कहते हुए नजर आ रही हैं कि मैंने जिला प्रशासन को पहले भी अवगत कराया था, लेकिन इस पर अभी तक कार्यवाही नहीं हुई, इसलिए मैं इस गैर कानूनी शराब की दुकान को बच्चों के साथ तोड़ रही हूं। सीहोर से चंद्र सिंह भगवान की रिपोर्ट। कहा कि ये, और तहसीलदार ने मुझसे कहा ये लीगल है, इसकी अनुमति है। मैंने उनसे कहा कि ये लीगल है, इसकी मुझे बताओ कि सरकार स्कूल के सामने कौन सा लीगल काम ठेकेदार ठेके का हो सकता है, और किसने अनुमति दी, जिसने अनुमति दी उसकी खबर हम लेते हैं। और इसलिए आज बच्चियां ही इस ताले को तोड़ेंगी और इस काम को खत्म करेंगी यहाँ से, क्योंकि शिकायत अधिकृत सुनवाई नहीं होती है। जो मुझे लगा कि आज बच्चियां ही अपने जो शिकायत कर रही हैं उसका काम अंत करेंगी।